पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने मोही गांव में वेटनरी डिस्पेंसरी के उद्घाटन अवसर पर उपस्थित जनसभा को संबोधित करते हुए डिस्पेंसरी के लिए भूमिदान देने करने हेतु इंद्री देवी का धन्यवाद व्यक्त किया। बेजुबान जानवरों के लिए जमीन दान कर बहुत पुण्य का काम इंद्री देवी ने किया है, ये बात पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने कही। पूर्व सीएम ने कहा कि भाजपा की पूर्व प्रदेश सरकार में प्रदेश की प्रत्येक पंचायत में पशुओं के लिए डिस्पेंसरी खोलने की योजना पशुधन योजना चलाई थी। मोही गांव को नई पशु डिस्पेंसरी के लिए बधाई दी। मोही गांव की सड़क और बस की समस्या को शीघ्र दूर करने की बात उन्होंने कही। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि सरकार के हालातों का सबको पता है। बीते कल मुख्यमंत्री ने कहा था कि परिवहन मंत्री चाहे जहां जाना है। आज परिवहन मंत्री ने जवाब देते हुए कहा है कि तेरे को हिम्मत है तो निकाल दे, अगर तेरे पास शक्ति है निकालने की। अपनी अपनी लड़ाई में सीएम और मंत्री लगे हैं, किसी को जनता की समस्याओं की फिक्र नहीं है। इस लड़ाई का हल यही है कि इनको सत्ता से बाहर करो, भाजपा की सरकार बने, सड़क भी ठीक होगी और बस भी चलेगी। इस अवसर पर प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि उन्होंने हमीरपुर के 150 महिला मंडलों को 10-10 हजार रूपए देने के लिए 15 लाख रूपए स्वीकार कर दिए हैं। महिला मंडल इस पैसों से अपने जरूरत का सामान ले सकेंगी। चाहे हॉस्पिटल स्कूल जाने के लिए हो, लोग जमीन देते नहीं। इसका कारण होता है जमीन कीमती बहुत है और जैसे आबादी बढ़ रही है तो जमीन में कम भी होती जा रही है। इंसान को नारे लगाकर धरना देकर हड़ताल करके अपने इलाज का प्रबंध करवा सकता है, डिस्पेंसरी मांग सकता है। उन्होंने उन बेजुबान लोगों को बेजुबान जानवरों के इलाज के लिए जुनून जी है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली योजना चलाई थी जिसमें हर पंचायत में पशुओं के लिए डिस्पेंसरी बनाने की बात कही थी। आदमी बीमार होता है, आप हमीरपुर ले जाते हैं, वो टाटा रेफर कर देते हैं, टाटा ले जाते हैं, तो चंडीगढ़, दिल्ली, शिमला जहां रेफर करें वहां ले जाते हैं। जानवर तो आप पर निर्भर है, आप कहां कहां ले जा सकते हैं। तो हर पंचायत में एक डिस्पेंसरी ऐसी हो जहां छोटी मोटी बीमारी पर पशु पहुंचे तो वहीं उसका इलाज हो जाए, ज्यादा से ज्यादा संभव नहीं होता। तो इसकी बात कही है, निश्चित तौर पर बात तो करूंगा, लेकिन सरकार का हाल आपको बताइए। मुख्यमंत्री ने कल कहा था कि ट्रांसपोर्ट मिलकर जाए जहां जाना हो, आज उसने कह दिया कि तेरे में हिम्मत है तो निकाल दे, तेरे को पावर है निकाल दे। अब वो अपनी इस लड़ाई को लड़े कि हमारे लिए बस देंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस लड़ाई का हल यही है कि इनको दोनों को सत्ता से बात करो, कांग्रेस बाहर हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, सड़क भी ठीक करे और बसों और बस सर्विस देखते मिले। इस अवसर पर स्थानीय बल पंचायत प्रधान रघुवीर सिंह, पूर्व प्रधान नवेश्वर शर्मा, माधोराम वार्ड सदस्य मथुरा देवी, रंजीत सिंह, अनिल ठाकुर, बलदेव दीवान, प्यारेलाल शर्मा, रसील सिंह मनकोटिया, मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा, युवा भाजपा नेता नवजीत सिंह, वीना शर्मा, सुनीता सोनी, हरीश शर्मा, राकेश, राजेश गौतम सहित अन्य सैकड़ों लोग उपस्थित रहे।